अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह मुस्कुराते रहें। तो सबसे पहले मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर किया करें और वीडियो पूरी वॉच किया करें ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिले। तो अभी मैं नींद से उठा हूँ और अब्बू अम्मी जो हैं वो पता नहीं कहाँ तैयारी करके जा रहे हैं, फिर से हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि वो सुबह सुबह इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुने? ठीक है जी, आप सुने? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह पाक। ओ चाय मैं पी ली जी? चाय तो पी ली, अभी जा रहे हैं। खैरियत? सुबह सुबह इतनी सुबह सुबह अभी तो सूरज भी नहीं निकला पूरा। असल में वो जब जाना है ना तहसील जतोई ज़िला मुजफ्फरगढ़, जो तुम्हारे नाना अबू थे, तुम्हारी अम्मी के नाना अबू, वो इंतकाल कर गए। अम्मी के नाना? हाँ जी। इन्ना लिल्लाहि वा इन्ना इलैहि। तुम्हारे भी नाना हो गए? तो हमें तो बताया नहीं कब फौत हुए वो। कल शाम को फौत हुए, रात को फ़ोन आया था शाम को, तो हम शाम को जा नहीं सकते थे ज़्यादा। हमने कहा सुबह सुबह चले जाएंगे, 9 बजे जनाजा है, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे पहुंच जाएंगे। चले मजबूरी है, सवारी अपनी तो है नहीं, जाएंगे हम तो सुबह खाते खाते पता नहीं पहुंच सकते हैं जनाजे में या नहीं पहुंच सकते। बहरहाल कोशिश तो करें अपनी तरफ से सुबह सुबह जाने की इंशाल्लाह। अल्लाह रहमत करेगा, आप जाएँ खैरियत से और उम्मीद करते हो आप टाइम पे, अल्लाह करेगा आप टाइम पे पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। वो सवारी तो अपने, तो सवारी अपने अगर मोटरसाइकिल भी होती तो हम फिर भी 2-3 घंटे में पहुंच जाते। ये तो फारिग है, इसका क्या करें आप, इसको अल्लाह मालिक है यार, जब अल्लाह पाक फुर्सत देगा तो फिर ज़रूर कोई ले लेंगे, अभी तो गुजारा करना ही है। चले अम्मी भी साथ जा रही हैं? हाँ वो भी साथ जा रहे हैं। हाँ उनके तो नाना हुआ। चलो अम्मी क्या कहाँ हैं, बुलाएं उनको। अच्छा मेरा बेटा, तो ये घर को आपने संभालना है, हम आपके सारे छोड़ के जा रहे हैं, तो मेहरबानी फरमा के सही सही मैनेज करना है काम। इंशाल्लाह आप जहाँ भी जाएं 2 दिन 4 दिन 5 जब भी जाएं जहाँ, इंशाल्लाह हम कल या परसों तक आ जाएंगे वापस जी। ये घर की टेंशन ना लिया, टेंशन आप भी ना लेना, किसी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई काम हो तो मुझे ज़रूर बता देना जी। आपको ही बताना है, जब कोई भी परेशानी होती है आप तो बड़े हैं आपको। हाँ, वैसे घर की टेंशन ना लिया करे, मैं अच्छे से मैनेज कर लेता हूँ। माशाल्लाह आप समझदार आदमी हैं। और इधर अम्मी भी आ गई जी। अम्मी वो अब्बू ने बताया कि आपके नाना उधर जतोई सिटी में जो रहते थे वो इंतकाल कर गए हैं, तो कब इंतकाल किया मुझे तो अभी बता रहे हैं। वो बेटा कल शाम ही फ़ोन आया लेट, रात तो नहीं जा सकते थे, उन सुबह सुबह जाऊँ मैं फिर टाइम तक जनाजे पे पहुँच जाऊँ 9 बजे। चले अब्बू तो आपके साथ है, आप बगैर किसी फिक्र के टेंशन के जाए। और अब्बू के अब्बू आप इनको ना पता है इनके नाना है, तो थोड़ा दिमाग तो है आप संभाल लेना। कोई बात नहीं, मैं खुद जा रहा हूँ इसलिए साथ जा रहा हूँ। चले फिर जाएं, ये ना हो काफ़ी लेट हो जाए फिर। सही है सही है, उधर गर्मियाँ दिन चढ़ जाता है फिर। ठीक है अम्मी, आप खैरियत से जाएं। और खैरियत से के बेटा से जा रहे हैं अपने भेड़ी भाई के घर, खास तौर पर इन बच्चियों का जो है ना बड़ा ख्याल रखना है, समिया और इस्तेहाना का, और मुनीब के साथ भी कोई झगड़ा वगैरह या किसी गुस्से वाली बात नहीं करनी है, क्योंकि वो भी हमारे बगैर बहुत गुस्से में हो आ जाता है। मुनीब प्यार से उसे समझाना और प्यार से जो चीज़ मांगे उसे दे देना। आप भी मुनीब को समझा के जाएं कि वो शरारतें बड़ी करता है। हाँ तो एक काम और करना बेटा, कामरान को इंजेक्शन लगवाना है, आज शाम को जाके इंजेक्शन लगवा लेना उसे इंशाल्लाह। बस ये मुनीब का तो कोई मसला नहीं है, जो भी चीज़ मांगता है मैं दे देता। हाँ बस उसे गुस्से में नहीं आने देना, क्योंकि वो ज़रा लाडला है जी। तो ठीक है आप जाए, फिर ऊपर दिन जो है गर्मी से फिर ठीक है इंशाल्लाह, हम चलते हैं। ठीक है आप जाए खैरियत से अम्मी जी। ठीक है जाए। ठीक है बेटा।
ओके अल्लाह हाफिज़। अजय यहाँ बैठे हैं कौसर और भाभी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हस्तम दौत रहें, फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और बच्चे भी सब ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, फूलों की तरह हंसते और मुस्कुराते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ और बच्चे भी सब ठीक हैं माशाल्लाह। तो ये रोटी बना ली? हाँ जी। अच्छा एक मिनट, मैं ना यहाँ गौर कर रहा था, सुबह सुबह पसीना इधर देखा, देखने दो ना ये पसीना, सुबह सुबह इतनी सुबह सुबह पसीना कैसे आ गया आपको? हाँ आग थी ना। चले ओ कौसर और भाभी, मैंने आपको एक बात बतानी थी। मैं अभी अम्मी अबू से पूछ कर आया हूँ। क्या बात है भाई? वो आपको तो पता है कि वो सुबह सुबह कहीं तैयारी करके जा रहे थे। हाँ मैंने देखा है कि कहीं जा रहे थे, मैंने फिर पूछा नहीं कहाँ जा रहे हैं, फिर मेरे काम में लग गए। तो अच्छा कौशल आपने पूछा था उनसे कहाँ जा रहे हैं? नहीं मैंने भी नहीं पूछा। चलो मैं यही आपको बताने वाला था कि हमारे यूट्यूबर मोहसिन भाई ने कौशल, उन मोहसिन भाई के दादा जो है वो इंतकाल कर चुके हैं रात से, कल रात से। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हाँ तो अभी मैं नींद से उठा तो देखा कि अम्मी और अब्बू जा रहे थे, तो उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने फिर मुझे ये बताई बात। मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ, मैं भी मोहसिन भाई से उनके दादा के इंतकाल करने पर अफसोस का इजहार करता हूँ। और आप कुछ कहना चाहोगे कौसर जी? मोहसिन भाई के दादा जो फौत थी क्या, इंतकाल थी क्या उनका, मैं उसके लिए खातर दुआ करती हूँ। अल्लाह ताला उन्हें को जन्नत दी चाहे वे, उनकी जो गलतियाँ जो ये अल्लाह पाक उन्हें को जन्नत चाहे वे, उनकी जो मुश्किल हैं सारे अल्लाह ताला दूर करे। और मोहसिन भाई उन्हें दी घर वाले बच्चे छोटे छोटे बच्चे अल्लाह पाक उन्हें दी खुशी पैदा करे जी। भाभी आप? हाँ जी, ये तो बहुत ही अफसोस की बात है क्योंकि मैं ना मोहसिन भाई के जो दादा फौत हो गए, अल्लाह ताला उनकी मगफरत करे और उन्हें जन्नत अल फिरदौस में जगा दे और उनके कबीरा सगीरा गुनाह माफ़ करे। और उनके जो मोहसिन के जो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और जो भी हैं सब, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, उनके घर में आबादी हो और सबको खुश रखे। अल्लाह ताला हर किसी को सब्र अता फरमाए क्योंकि सब रोने में लगे होंगे ना, कोई किसी हालत में होता है, कोई किसी हालत में होता है। हमें बहुत ही अफसोस हो रहा है ना, तो हम वहाँ जा तो नहीं सकते, हम ये बुक चले गए हैं ना, तो दुख हमें भी हो रहा है क्योंकि मोहसिन भाई के दिल पर क्या बीती होगी जब उसके दादा फौत हुए होंगे और उनके घर वालों पर। ये तो जी उसके छोटे छोटे बच्चे थे, पूरा दिन दादे के पास। हाँ जी, अल्लाह पाक करम फरमाए। और जहाँ तक बात है कि हमारे तो मोहसिन भाई हो गए। हाँ जी। और रिश्ते में तो वैसे वो ज़्यादा ख़ास तो रिश्तेदारी नहीं है हमारी, वैसे हर मुसलमान इंसान जो है ना भाई भाई होता है जी। तो मोहसिन भी हमारे लिए इस तरह भाई हो गया और मेरा बड़ा भाई हो गया। हाँ जी। तो उनके दादा जो थे वो हमारी अम्मी के नाना थे, सगे नाना नहीं थे जी। वैसे सौतेले वो नाना बुलाती थी, तो सिटी रहते थे ना जो, तो मुजफ्फरगढ़ तो वहाँ जान पहचान हो गई थी, तो बहुत प्यार करते थे अम्मी से वो, तो उन्हें अम्मी नाना बुलाती थी, तो तभी उन्हें जाना पड़ा। ये भी मजबूरी थी, हमें कोई टेंशन नहीं, अम्मी अबू चले गए वो भी जाना ज़रूरी था उनका जी। क्योंकि अम्मी बहुत प्यार करते थे नाना से, तो वो रह नहीं पाई और जाना भी हक बनता है। तो अभी मैं मोहसिन भाई के दादा के इंतकाल करने पर अफसोस का इजहार करता हूँ। अल्लाह पाक मोहसिन भाई और उनके सारे घर वालों को सब्र और तहम्मुल दे और उनके दादा को जन्नत अल-फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए अल्लाह पाक, और जो भी उनके कब्र में अजाब से बचाए, हर परेशानी से बचाए अल्लाह पाक, उन्हें जन्नत में जगह दे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए अल्लाह पाक उन्हें। और
मैं अफसोस का इजहार करता हूँ मोहसिन भाई को, अल्लाह पाक ने इतना सब्र दिया, माशाल्लाह वो अच्छे हैं, और मज़ीद भी अल्लाह पाक उन्हें सब्र दे ताकि वो अपने दादा के इंतकाल पर ख़ुद को संभाल सकें, और अल्लाह पाक उनके घर वालों को भी हिदायत दे, और मोहसिन भाई और घर में भाभी और बच्चे मोहसिन भाई के अम्मी अबू सबको अल्लाह पाक खुशियाँ दे, उनके घर में रौनके लगे और उनकी आने वाली नस्लें आने वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक उसे भी संवार दे, तेरों खुशियाँ ता फरमाए अल्लाह पाक मोहसिन भाई और उनके घर वालों को। तो जैसे कि हमें अभी पता चला, हमें रात पता चलता तो हम उसी वक्त अफसोस कर लेते, मोहसिन भाई माजरत के हमें बहुत लेट पता चला है, हमें अबू ने अभी बताया है, रात जो है हमें नींद थी तो शायद हम अभी भी अफसोस का इजहार करते हैं, और मुझे यकीन है कि मोहसिन भाई बहुत सब्र और तहम्मुल से काम लेंगे और ख़ुद को संभाल लेंगे और घर को भी संभाल लेंगे इंशाल्लाह, वो पूरे घर में बड़ा है ना, सबको संभालेगा जी। अम्मी अबू ने सोचा होगा कि अब बच्चों को परेशानी ना दो, सुबह जब जाएंगे उन्हें बता कर जाएंगे, क्योंकि वो रात भर वो सो नहीं सकेंगे इस परेशानी में, इसलिए उन्होंने बताया नहीं होगा जी। और मोहसिन भाई तो हमारे यूट्यूबर भाई हो गए, हाँ जी, और मैं इज़्ज़त करता हूँ उनकी, कदर करता हूँ, चले अल्लाह पाक उनके दादा को जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। और कसर अभी रोटी शोटी बन गई, हाँ जी बन गई, तो और कोई काम है तो वो करें फिर। तो इधर जी बैठा है कामरान, इसकी आदत है कि ये चूल्हे की दीवार पर ना ऐसे ही रोज बैठता है, ये देखिए कल वहाँ बैठा था आज यहाँ बैठ गया। कामरान ओ सलाम करो पहले। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, जा मेरे अच्छे रहेंगे, आबाद रहे, आबाद रहे। अरे कामरान तबीयत कैसी है अब आपकी? बेहतर है, कुछ बेहतर है, कल इंजेक्शन लगवाए थे फरमान, हाँ कल तो फरमान नहीं था, कल आप और मुनीब गए थे ना, मैं भूल गया। चले आज पता है क्या, अम्मी अबू तो चले गए, वो अम्मी के नाना जो सौतेले नाना बुलाते थे उनको, उनका इंतकाल हो गया, तो अम्मी अबू तो चले गए, आपको पता है सुबह सुबह वो तैयारी करके बैठे थे, और आज जो है मैंने ये आपके केयर करने हैं, वो मुझे बता कर गए थे हम अबू के इंजेक्शन लगवाना है मैंने आज आपको, और जो भी आपके काम होंगे सारे ज़िम्मेदारी मुझ पर छोड़ कर गए, आप टेंशन नहीं लेना, और जो भी मसला हो मुझे बता देना, आज इंजेक्शन जो है मैं खुद लगवा के आऊँगा आपको, ठीक हो गया जी। बहन भाइयों रोटी वोटी बना ली कौसर और भाभी ने, और अभी भाभी जो है चारपाइयाँ उठा कर अंदर डाल रही है, और इधर कौसर जो है वो लस्सी बना रही है, आज मैं चली गई तो पूरे घर कौसर, आज ना अम्मी ने पूरे घर के काम आपको सौंप कर गई है, आपकी ज़िम्मेदारी है घर के कामों की, और समिया इस्तियाना उनकी ज़िम्मेदारी हम दोनों पर है, और बाकी जो हैं बाहर के काम, ये कमरान की दवाई और वगैरह जो होते हैं काम बाहर के, राशन वगैरह लेना ये वो, ये सब जो है वो मेरी ज़िम्मेदारी है, और ये घर के काम आपकी और भाभी की ज़िम्मेदारी है, आपने आज मिलकर करना है, और कोई उल्टी सीधी बात नहीं करनी, लड़ाई झगड़े भी नहीं करने, सुकून से रहेंगे तो हमारे घर में खुशहाली होगी, ठीक है, ओके हो गया। ये आ गई मेरी चाय, और जिस बहन भाई को चाय पीनी है वो भी जल्दी जल्दी आके पी लें, और जिस बहन भाई को लस्सी पीनी है वो भी कौशल बना रही है, वो भी आके पी सकता है। हाँ जी मैं तो लस्सी बना रही हूँ, खुद भी पियेंगे और घर वाले भी पियेंगे इंशाल्लाह। और उधर डॉगी कुत्ता और अंदर गैस चली गई, और कौशल वो हमने बताया कि समिया के लिए कोई बनाना है चावलों का मीठा, भाभी बना रही है, बना रही है माशाल्लाह, और वो बिस्कुट जो है वो मुनीब लेके आएगा, वो पैदल गया है लेने, जी वो लेके आएगा, तो आपको पता है चाय में डबो के उनको खिलाना है समिया को। हाँ जी अम्मी ने बताया, समिया का मुंह जो है वो आपको तो पता है ठीक नहीं हो रहा, आज दवाई भी लगवाना उसके मुंह वाले,
इधर जी भाभी जो है पता नहीं पटेला चाड़ी बैठी है, क्या बना रहे हैं? वो सुमैया है ना, उसका मुंह फुला हुआ है तो मैंने सोचा कि उनके लिए चावल बना दूं। अम्मी ने भी, हाँ अम्मी भी बोल कर गई थी तो मैंने बनाना शुरू कर दिया। पानी उबाल कर ना उसमें चावल डाले हुए हैं। चावल डाल गए? हाँ जी। भात बना रही हैं? हाँ जी। वो बेचारी कुछ खा भी नहीं सकती, कल दोपहर को बनाया था उसने फिर भी नहीं खाया, शायद आज खाए। दवाई भी लगाई है फिर भी कुछ असर भी नहीं हो रहा उसके मुँह में। अल्लाह खैर करेगा। और आप दवाई लगाते रहे? हाँ जी। और ये बात बना बना के देते रहे? हाँ जी। इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। तो इधर कौशल लगा रही है झाड़ू, ये देखे ये बाहर वाला, आधा भाभी लगाते हैं आधा कौशल। हाँ जी। और धूप भी तेज हो रही है, जल्दी लगा लें क्योंकि आजकल बीमारी ऐसे चिपकती है पता ही नहीं चलता। ठीक हो गया? और नाश्ता वगैरह वो समिया को रेडी किया तो किया ने? जी अभी कह रही हूं। चले फिर वो रेडी कर ले फिर। और उनका ना वो बन गया चावलों का क्या होता है तो वो खिलाएंगे। हाँ कहो सर जी, मैं समिया के लिए ये बना दिया है बिस्कुट और मैं उसे देने जा रही हूँ, आप भी वहाँ जाए और इसकी हाना को भी बना दी। ये बिस्कुट है? हाँ जी। मुझे तो हलवा लग रहा है। आपको हलवा लग रहा है? अच्छा, इधर इस्तेहाना, आप समिया के पास जा रही हो? हाँ जी। इधर इस्तेहाना। क्या कर रही है? क्या कर रही है? क्या खा रही हो? बिस्कुट भात वाला, भात बना के खा रही हो? अच्छा अच्छा, नबेलो नबेलो खाओ। और इधर मुंह दिखाना अपना। चलो खाओ। मैं समय के पास, ओ बहन भाई ये देखे बिस्कुट का जो कहा था हम अब उन्हें हमने इनको बना के दे दिया, अब खा रही है इस चैन है ना? नहीं खा रही, ऐसे देख रही हो अभी। चलन जी हम अभी चलते हैं सुमिया के पास, उसे जो है कौशल खिला रही है। क्या लिम्बी करिए बूती, साफ करो ना इसको, कपड़ा ले लो कपड़ा और इसको साफ करो ये मुंह। देखो कैसे लिम्बी बैठी तू। अरे चोले से नहीं नहीं नहीं, कोई और कपड़ा, कमरान कोई और कपड़ा लेकर आओ और इसे ये साफ करती रहेगी और खाती भी रहेगी। मैं चलता हूँ समिया के पास। हाँ कौशल खिला लिया या खिला रही हो? नहीं वो बेचारे खा भी नहीं सकते। देखो उसने मुंह में रखा हुआ है अभी। नहीं वो पूरे मुंह में छाले हैं, दवाई भी लगाते हैं तब भी वो ठीक नहीं होते। चलो आज इसके मैंने सोचा कि अगर चारा खाएगी तो मिर्चा होती है नमक होता है इससे शायद भावना लग जाए, तो इसलिए बिस्कुट बनाया है मीठा है, वो भी नहीं बेचारे खा सकते। अल्लाह ख्याल करेगा, ये तो नहीं खा रही। और आपने दूसरा जो बनाया चावलों वाला वो खिला कर देखिए जी। मुझे तो बहुत अरमान है, आज तीसरा दिन है वो बेचारी कुछ खा भी नहीं सकती। आज दवाई लेते हैं, कुछ करते हैं बंदोबस्त। ये पहले दवाई ली है वो तो काम नहीं कर रही, और अब दूसरी दवाई लेते हैं, कोई इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं आज। ठीक है आप ना ये नहीं खा रही तो दूसरा चावलों वाला वो खिलाओ। तो आज का व्लॉग हमारा हो गया मुकम्मल। तो लपक जो बीमार है उनको सेहत दे, जो बेरोजगार है लपक उनको रोजी दे, और जिनके औलाद नहीं है लपक उनको औलाद नरेना से नवाजे। और जो बहन भाई हमें देखते हैं हमें सपोर्ट करते हैं अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, उनके रोजे में और घर में मजीद बरकतें अता फरमाए। और अल्लाह पाक बहुत सारे बहन भाइयों को नेक औलाद और फरमा बदार औलाद परहेजगार औलाद नवाजे। और जो बहन भाई हमें देखते हैं अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ खुशियाँ भर दे। और जो बहन भाई वफात पा चुके हैं अल्लाह पाक उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बनाए और उनकी मगफरत फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए।
तो आज का व्लॉग हमारा हो गया मुकम्मल। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, प्यारे बहन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।